इटावा जनपद में आज इलाहाबाद मंडल में DRS इटावा रेलवे स्टेशन पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने बता दें कि निरीक्षण किया रेलवे स्टेशन का। रेलवे स्टेशन पर कुछ कमियां भी पाई गई हैं, जिसमें आपको बता दें कि 3 माह के अंदर प्लेटफार्म इंडिकेटर कोच लगाए जाएंगे। जानिए, आपको बता दें कि रेलवे स्टेशन पर सभी यात्रियों को आराम भी मिलेगा, क्योंकि यात्री स्टेशन के प्लेटफार्म पर खड़े होकर ट्रेन को कुछ ढूंढते हैं और आपको बता दें कि ट्रेन को छोड़ देते हैं। और वहीं पर तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है 3 माह के अंदर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कुछ कमियां रेलवे स्टेशन में पाई गई है, जिसमें जल्द से जल्द पूरा करने का आयोजन भी दिया है। कार्य बहुत ही जल्द होगा, इसलिए आपको बता दें कि आज भी बहुत ही जल्द होगा, इसलिए रेलवे स्टेशन में मुआवजा करवाने आए थे। पूरी तरह से सब कुछ ठीक ठाक देखा गया है। इंडिकेटर लगाने के बाद कही गई है 3 माह के पूर्व अंदर ही लगा दिया जाएगा। ये सुनते एक बार इनका बयान। प्राइम मेकिंग न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट रवि कुमार की। यहाँ पे मिले थे, इसके अलावा कल हम लोगों की इलाहाबाद में माननीय सांसदों के साथ और उनके प्रतिनिधि साथ मीटिंग थी। तो डिमांड तो अधिकांश गाड़ियों के बारे में है, और आप लोग जानते हैं कि इलाहाबाद का जो मेन लाइन वाला ये हमारा सेक्शन है बहुत ही बिजी है, और हम लोग यहाँ पे चाहकर भी गाड़ियाँ बहुत नहीं चला पाते हैं। लेकिन जो भी डिमांड गाड़ियाँ चलाने की है उनको हम लोग देखेंगे, और जो भी अधिक से अधिक बेहतर हो पाएगा उसको किया जाएगा। सर, सांसद, जनप्रतिनिधि, आम आदमी, ये सबकी डिमांड अपनी जगह है। आप रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी है, निरीक्षण कर रहे हैं, जंक्शन बन चुका है इटावा, और कितना सुलभ स्टेशन और ज्यादा सुविधायुक्त कैसे हो सकती है? अभी तो मुख्य तौर पर यह है कि जो दोनों साइड में क्रॉसिंग्स हैं वहाँ पे इधर की तरफ फ्लाईओवर बनने की आवश्यकता है, आरओबी बनने की जरूरत है। निश्चित तौर पे जो रोड यूजर्स हैं उनको भी बहुत दिक्कत है, हम लोगों को रेल यूजर के रूप में बहुत दिक्कत है, जो कि गेट कभी बंद नहीं हो पाता है, लेट हो जाता है बंद होने में। और दूसरे एंड पे जो FOB बनी है वो हम लोगों की अभी टॉप प्रायोरिटी है, और जैसा मैंने बताया कि कोच इंडिकेशन बोर्ड ये होना चाहिए, ये भी है, और जो गाड़ियों के ठहराव हैं वो होंगे, और जैसे जैसे यहाँ पे यात्री आते हैं और यात्री आते हैं वैसे वैसे स्टेशन का जो रेलवे के मानक है उनके अनुसार हम लोग जो विकास प्लान करेंगे उसको करेंगे। जैसे भोपाल के लिए भी सर एक गाड़ी सुन रहे थे, कोई इटावा से मिलने को? नहीं, अभी तो कोई ऐसा इमीडिएट प्लान नहीं है, लेकिन जो भी डिमांड्स हैं सब लोगों की वो उनको देखा जाएगा, उस पर जो हो सकता है। यहाँ से संभवतः अजमेर के साइड में जाने में लोगों को परेशानी है, और इंदौर की गाड़ी भी कुछ भिंड तक आती है वो आगे आ सकती है, अभी बताया गया है, तो उसको एग्जामिन करेंगे। देखिए, इटावा जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरह का जंक्शन है, जंक्शन को साधारण समझना ठीक नहीं है, क्योंकि जब भी कभी जंक्शन होता है तो फिर वो गाड़ी जब आती है तो सारी लाइनें बंद होती हैं, तो मेन लाइन की गाड़ियां हैं उन पर भी उसका असर पड़ता है, तो कौन सी गाड़ी यहाँ पे ले पाएंगे, कैसे लगाएंगे, ये सब थोड़ा एग्जामिन करना पड़ेगा, और जो बेहतर से बेहतर हो पाएगा। मूलभूत समस्या स्टेशन की, जैसे पानी की जी, इसकी समस्या कम से कम 1.5 साल से नहीं सुधर पाएगी। पानी की समस्या में आरओ के जहाँ तक बात है, आरओ की एक बूथ यहाँ पे लगा हुआ है, इसकी मशीन खराब चल रही है, इसको हमारे जो वाणिज्य अधिकारी हैं मंडल के उनको हमने कह दिया है वो इसको ठीक करा देंगे। IRCTC के माध्यम से लगी हुई है मशीन, और भी हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि और भी मशीनें टावा में लगे। रेलवे कॉलोनी में समस्या बहुत पानी की, सर्दियों में दिक्कत होती है, पूरी गर्मी निकल रही है, रेलवे के कर्मचारी वाकई परेशान है। यहाँ पे पानी की समस्या इस गर्मी में थी, और उसके लिए कुछ ट्यूबवेल वगैरह बोर किए गए हैं। और के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस